आज के बाद मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, मतलब 10 बजे के बाद तो हम लोगों ने 1 बजे तक शिफ्ट किया था। दिन भर मैंने कुछ नहीं खाया है आज। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी ठीक हूँ फिलहाल। तो अभी ये पीछे आप देख रहे होंगे कितना सुंदर बैकग्राउंड हो रहा है मेरा, क्या ही बताऊं, मतलब चुम्बेश्वरी, इतना सुंदर बैकग्राउंड आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा। मैं दिखाती हूँ, ये देखो गाइस, ये क्या मतलब क्या हालत हो रखी है इस रूम की, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं यार। अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो ये सामान जो आप देख रहे हैं ये हम लोगों ने आधे कल रात को शिफ्ट किया था, जब मेरे हस्बैंड आए थे, मतलब 10 बजे के बाद तो हम लोगों ने 1 बजे तक शिफ्ट किया था। उसके बाद हम लोग सोए थे और सुबह भी शिफ्ट किया अभी इससे पहले। तो एक जो बड़ा बक्सा था वो दोनों ला नहीं सकते थे, तो एक भैया को बुलाया था तो उनने हेल्प किया, तो वो दोनों ये फ्रिज वगैरह बक्सा लेके आए नीचे। कल से मैं लगी हुई हूँ, कुछ भी लग ही नहीं रहा, कुछ यहाँ काम हो भी रहा है या नहीं, मैं क्या करूँ यार, समझ में नहीं आ रहा। और इतना खलारा इधर फैल गया है ना, मेरा कल रात को भी हाथ दर्द हो रहा था तो दवाई खाया था मैंने, तो अभी भी उसका असर है। जब तक उसका असर रहता है फिर मेरा हाथ ठीक हो जाता है, लेकिन जैसे उसका असर ख़त्म हो जाता है वैसे ही हाथ दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो जब तक अभी ठीक है तब तक मैं काम कर लेती हूँ, काम तो करना ही है, चाहे जैसे भी करो, दर्द भी करो चाहे जैसे भी करो, काम करना पड़ेगा। सब फैला पड़ा है, फटाफट से समेटते हैं इसको, और मैं सोचू किचन भी सेट कर दूं, तो चलते हैं। तो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में वापस, अपने किचन को सेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सारा सामान बिखरा पड़ा है। तो मैं सोच रही हूँ ना किचन को ही पहले सेट कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे खाना बनाना होता है हमने। तो मैंने ले लिया है स्टूल अपने लिए, क्योंकि मेरी हाइट छोटी है तो मैं ऊपर पहुँचती नहीं हूँ, तो ऊपर सामान रखने के लिए मुझे स्टूल की जरूरत पड़ती ही है। और अभी मैं कर रही हूँ सारा सामान डब्बे में खाली, जो पैकेट में पड़े हुए हैं, ताकि यूज करने के लिए इजी हो जाए और खराब भी ना हो सामान। और जो ये वीडियो में दिख रहा है ये कितना फास्ट दिख रहा है, अगर इंसान का हाथ सच में इतना फास्ट चलता तो इतना टाइम लगता ही नहीं काम करने में। मुझे 2 दिन लग गए हैं ये रूम सेट करने में, ये उनको पता है जिन्होंने अपना घर शिफ्ट किया होगा या रूम शिफ्ट करना पड़ा होगा कभी। ये सारा काम करते करते मुझे अभी अफसोस हो रहा था कि मैंने रूम चेंज करने का डिसीजन गलत लिया है क्या, और ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ सारा सामान लेकर। तो जो मेरे इंडोर प्लांट्स थे वो तो हम लेकर आ गए हैं, लेकिन जो मैंने छत में कुछ प्लांट्स लगाकर रखे हुए थे वो लाना बाकी है, वो अभी भी छत में ही है। तो अभी मैं कर रही हूँ फ्रिज साफ, क्योंकि इसमें भी थोड़ा बहुत धूल जम गया था, और जब इसको निकाला ही है तो मैंने सोचा क्यों ना अच्छे से साफ करके रखा जाए दोबारे। और इसको नीचे शिफ्ट करते समय सीढ़ी तंग होने की वजह से थोड़ा बहुत स्क्रैच आ गया है, क्या करे, सामान इधर से उधर करते वक्त थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो अब बारी है इन कपड़ों को लपेटने की, जो मैंने धोकर सुखा दिए थे और ये सूख गए हैं अच्छे से, और ये कपड़े भी इतने ज्यादा हो गए हैं, इन्हें देखकर ऐसा लगता है इससे अच्छा तो हम आदि मानव ही ठीक थे, कम से कम इतने ज्यादा कपड़ों की जरूरत तो नहीं पड़ती थी उस टाइम पे। कितने कपड़े मैंने दे दिए हैं और अभी फिर से निकल गए हैं देने के लिए, और जब पहनने का टाइम आता है तो एक जोड़ी कपड़े ऐसे नहीं मिलते जो मतलब परफेक्ट हो पहनने के लिए, कि हाँ ये पहन के निकल सके कहीं, 10 बार सोचना पड़ता है कोई कपड़े निकाल कर पहनने में। तो अभी आधे कपड़े लपेट लिए हैं, इससे ज़्यादा भी बाहर है सुखाए हुए, वो अभी हल्का सा सूखने को बाकी है, तो मैंने ये आधे कपड़े उठा लिए हैं और आधे अभी वहीं हैं, तो उसको भी उठाना पड़ेगा थोड़ी देर में। और मुझे इतना आलस आ रहा है मैं क्या ही बताऊँ, मैंने खाना भी नहीं खाया आज, खाना खाने का मन भी नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है जब काम फैला होता है ना, खाना खाने का मन भी नहीं करता, भूख भी नहीं होती है, और मुझसे हो भी नहीं रहा है, मैं क्या करूँ, ना काम हो पा रहा है ना खाना खाने का मन हो रहा है, क्या ही करूँ। तो थोड़ी देर अभी देखती हूँ जो भी होता है, क्या ही करूँ, बैठूँ सोऊँ। कल रात को भी हम 1 बजे सोए थे, 1-2 बजे सामान शिफ्ट करते करते, और खाना खाते खाते 2 बज गए थे हम लोगों को। उसके बाद सुबह भी सुबह उठ के सुबह से लेकर यहाँ पर लगे हुए हैं काम करने, अकेले हो नहीं पाता ना, वो आते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर चले जाते, उन्होंने सिर्फ सामान शिफ्ट करने में हेल्प किया, मतलब उनको टाइम ही नहीं है घर पे आके मतलब सेट करने में हेल्प करें, तो बिजी लोग बिजी रहते हैं वो ज़्यादा, एक इंसान को ज़्यादा पड़ जाता है लोड, एक तो सामान ज़्यादा हो गया है बहुत ज़्यादा यहाँ आकर, पता नहीं क्या क्या कोई गिफ्ट किए हुए कोई खरीद लिए हैं ज़रूरत के अकॉर्डिंग। तो मैंने सोचा क्यों ना बेडशीट बिछा दिया जाए गद्दे के ऊपर,
और मैं ये बेडशीट बिछा रही थी, लेकिन मुझे इसका पिल्लो कवर मिला ही नहीं क्योंकि सामान इधर उधर हो गया है, तो मैंने इसको नहीं लगाया। फिर मैंने वो बेडशीट चेंज कर दिया और अभी मैंने बिछाया है ये व्हाइट कलर का बेडशीट जो मैंने धोकर रख दिया था। और मुझे ये काम करते करते बिल्कुल बाहर अंधेरा हो चुका था और ये भी आ गए थे अपने ड्यूटी से, तो ये कर रहे हैं पूजा, तो मैं पूजा नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने इनको बोला था पूजा कर लो क्योंकि आज हम यही रहने वाले हैं, क्योंकि हमारा लगभग सारा सामान शिफ्ट हो चुका है इस वाले रूम में, तो वहां पे बिस्तर वगैरह भी कुछ नहीं है, हम इधर ही लेके आए हैं सब, इसीलिए पूजा करना सबसे जरूरी है, सबसे पहला काम है वो। तो जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो सबसे पहला काम ये है हमारा कि हम दरवाजे पे कर्टन्स लगाए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब तक कर्टन्स नहीं लगते तो रहने में भी अनकंफर्टेबल फील होता है। और 2 दिन से मैं कंटिन्यू खड़े खड़े काम कर रही हूँ, बहुत लेट लेट तक बैठ ही नहीं पाई हूँ मैं अच्छे से एक टाइम भी, तो उसकी वजह से मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, दोनों पैरों के जो तलवे हैं बिल्कुल लाल हो गए हैं। तो 2 दिन में मेरा बस ये एक कॉर्नर फिक्स हुआ है, मतलब सही हो गया है, और बेडरूम में सिर्फ बेड मैंने सेट किया है और किचन थोड़ा बहुत सेट किया है, तो 2 दिन लगाकर इतना ही हुआ है अभी, अभी पता नहीं कितना बाकी है, और तो तसल्ली हो गई कि चलो एक बेड तो सही हो गया, एक कॉर्नर तो सही हो गया कम से कम। थोड़ी देर बैठती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड गए हैं कहीं, मतलब यहाँ पे नहीं है, तो अभी खाना भी मुझे अकेले खाना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा मैं खाऊं भी क्या खाऊं, हाथ में भी दर्द हो रहा है, दिन भर मैंने कुछ नहीं खाया है आज। अभी हो रहे हैं रात के 10:30 और फिलहाल मैं क्या कर रही हूँ मैं बताती हूँ। तो ये देखिए ये क्या है, देखने में इतना अजीब लग रहा है क्या बताऊँ। तो ये है, मैंने अदरक और पानी बॉइल किया था और मतलब उबाला था, और उसमें मैंने डाला है हनी जो घर से लाई थी मैं, मतलब पापा ने भेजा था, पापा मम्मी ने भेजा था घर से, मतलब हमारे मायके में मधुमक्खियां हैं तो पापा हर साल उसका शहद निकाल के रखते हैं, तो उसमें से इस बार भी रखा था, तो एक बॉटल मेरे लिए भेज दिया था कि तुम लोग खा लेना बोल के, तो वो ऐसे रखा था क्योंकि मैं मीठा कभी खाती नहीं हूँ, बट वो शहद मीठा नहीं है, हल्का उसमें कड़वापन है, क्योंकि जो गांव वाला होता है ना मतलब ऑर्गेनिक, वो उसका टेस्ट कड़वा ही होता है, ऐसा नहीं होता है कि मतलब जैसे बाजार वाला मिलता है बिल्कुल मीठा होता है एकदम चिपचिपा टाइप का, चिपचिपा होता है लेकिन वो हल्का उसमें कड़वापन होता ही है गाँव वाले शहद में जो ऑर्गेनिक निकालते हैं, तो वो था मेरे पास पड़ा हुआ, तो इसको साथ मिक्स करके मैं पी रही हूँ, मतलब अदरक पानी उबाल के उसमें हनी डाल के, मतलब इसको पीने का रीज़न ये है कि मैंने मतलब ऐसे सर्च करते करते मैंने देखा था, क्योंकि मेरा ये बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं ऐसा सोचती हूँ क्योंकि मैं दवाई खा खा कर परेशान हो गई हूँ, मैं ना हर एक कोशिश करती हूँ कि मुझे दवाई ना खानी पड़े, ये करके हो जाए सही वो करके हो जाए, तो मैंने देखा था कि अदरक मतलब जो हमारी बॉडी में अगर स्वेलिंग हुई होती है तो स्वेलिंग को ठीक करता है, उसमें हेल्प करता है, तो मैंने देखा था कि अदरक और अदरक का पानी बॉईल करके उसमें हनी मिक्स करके तो पीना चाहिए, उससे मतलब ठीक होता है, मतलब शरीर का जो ये सूजन होता है वो सही हो जाता है, तो दर्द कम होता है, तो क्या पता हो जाए, तो वैसे इसका ये है कि फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा, तो मैंने सुबह भी पिया था और अभी भी बना के पी रही हूँ, और तब तक मैंने लगा दिया है पुलाव बनाने के लिए क्योंकि मैं अकेले हूँ, तो कल मैंने पुलाव खाया था तो मुझे वो अच्छा लगा था, तो ईजी भी रहता है जल्दी भी बन जाता है, कल उन्होंने वही बनाया था तो आज वो है नहीं यहाँ पे, मैं अकेले हूँ वो कहीं और गए हैं, तो अभी फिलहाल के लिए अकेले हूँ, अभी आएंगे पता नहीं कब आएंगे मुझे नहीं पता, तो अभी फिलहाल मैंने पुलाव चढ़ा दिया है, तब तक वो पक जाएगा तब तक मैं इसको पी लेती हूँ, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और तब तक मेरा पुलाव बनेगा तो उसके बाद खाऊंगी खाना। पुलाव बन के रेडी हो गया है और मुझे आज ना खाना बनाने में इतना आलस आ रहा था, एक तो मैं सुबह से थक गई हूँ बहुत ज्यादा, सुबह से क्या 2 दिन हो गए मुझे, सुबह मैंने नाश्ता भी नहीं किया शायद, सुबह का मुझे याद नहीं है, लेकिन दिन में मैंने कुछ भी नहीं खाया था, तो अभी खाना भी जरूरी था नहीं तो फिर हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा यार अभी तो खाना ही पड़ेगा, तो इतना आलस आते आते मैंने ये बनाया है ना, और ये मेरा फैन इतना डेंजर आवाज कर रहा है क्या बताऊं, ऊपर वाले जो दूसरे रूम में थे हम लोग वहां पे इतना फैन आवाज नहीं करता था, जब इसको तेज चलाते फिर इतना आवाज नहीं करता है, अभी इसको स्लो मोड में चलाया मैंने क्योंकि मुझे ठंड हो रही है, ये देखो ये आवाज कर रहा है, और मैं बोर हो रही हूँ गाइस क्या करूँ अकेले, तो आप लोगों से कैमरे में बकवास कर रही हूँ। देखो गाइस मेरा पुलाव, अभी थोड़ी देर बकवास करते हैं देखते हैं क्या होता है, फिलहाल मैं अकेले हूँ तो बोर हो रही हूँ बहुत ज्यादा, बोर तो क्या हो ना अभी काम करने के लिए तो बहुत सारा है लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे करके काम करना पड़ेगा, और इधर पीछे साइड को पूरा मैस वैसे ही पड़ा है, पुलाव बनाने में सही रहता है, बनाने को भी इजी जल्दी बन जाता है
सब सब्जी एक साथ मिक्स करके डाल दो, जो जो सब्जी है घर में, एकदम मस्त बनता है। और धनिया डाल दो, हरा धनिया ऊपर से, वाह। और होना चाहिए घर का घी, जो गांव में होता है ना घी गाय का, इतना मस्त होता है टेस्ट, हुआ मज़ा आ जाता है खाने में। तो मैं भी खा लेती हूँ बकवास नहीं करके, और अभी देखते हैं, अभी आए नहीं है वो, टाइम लग जाएगा शायद उनको। तो गाइस अभी बज रहे हैं एक, और ये भी आ गए थे थोड़ी देर पहले, तो ये अपने कपड़ों में प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि आज मैं नहीं कर पाई, मेरे तो काम करके ख़त्म नहीं हो रहा, तो क्या ही मैं इनके कपड़ों में प्रेस करूँगी, तो खुद ही करे, मैंने धोके रख दिए थे, प्रेस ये खुद कर रहे हैं। और आज के बाद मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, मतलब आज के बाद वीडियो नहीं बनाऊंगी। क्यों? मतलब ये थोड़ी कि बिल्कुल ही नहीं बनाऊंगी, मेरा बोलने का मतलब कि जब तक ये रूम सेट नहीं हो जाता तब तक वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्या रोज रोज काम का वीडियो दिखाते रहूँ आप लोगों को, ऐसे ही फैला पड़ा है। तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, जब पूरा सेट करके तभी वीडियो बनाऊंगी, और ये सामान बिखरा हुआ भी क्या ही व्लॉग बनाना। तो आज के लिए इतना ही, ये इस वीडियो को ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं आए तो शेयर कर देना, और बाय बाय एंड टेक केयर।